मसाने की गर्मी, लिवर में गर्मी, पेशाब का बार बार आना और जलन होना, चिपचिपा पानी का भी बार बार आने जैसी समस्याओं से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। किसी लड़की से बात करते हुए चिपचिपा पानी निकलना और लिंग ढीला हो जाना, तो ऐसी समस्या में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी है और इसका उपाय भी है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको वो सारी हरकतें छोड़ देनी है जो आप करते हैं, जैसे मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन और लंबी बातें करना। इन्हें हो सके तो बंद ही कर दे, जिससे क्या होगा कि आपका शरीर फिर से डेवलप होना शुरू होगा। और आपने कुछ लोगों से ये भी सुना होगा कि लौकी खा लो, अदरक खा लो, उससे ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप खाने में वैसे ही खा लेते हो, उससे कुछ नहीं होता। तो शायद इसी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा भी देखना ताकि आप पूरी जानकारी के साथ यहाँ से जाएं। तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ से कुछ टैबलेट्स ले आते हो और उसे खा लेते हो, और फिर वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाती है। फिर इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो शायद आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो। तो वीडियो को पूरा देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न करें। और अब बात करते हैं ये बीमारी किन किन शक्लों में आती है। जैसे तनाव आया, फिर चिपचिपा पानी निकला, फिर तनाव खत्म, अब तनाव ही नहीं आ रहा पूरे दिन में, और रात को सोए सुबह उठ के देखा तो अंडरवेयर में लिक्विड डिस्चार्ज। तो अलग अलग शेप एंड फॉर्म में ये परेशानी आती है। तो अब बात करते हैं कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने 15,000 की दवाई खाई या 200 रुपए की। फर्क इससे पड़ता है कि जो दवा आपने खाई है उस दवा का कॉम्पोजिशन अच्छा है या नहीं। और माना कि वो एक आयुर्वेदिक दवाई है, कुछ समय तो लेगी ठीक होने में, लगभग 1 महीना 2 महीना या फिर 6 महीने, तो वो एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर आपको 15 दिन में उस दवाई का कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो उस दवा को आप 15 साल भी खाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कि खाने में क्या खाएं। तो आप मसाले वाली चीजें कम कर दें, क्योंकि 80% जिनको ये चिपचिपे पानी की परेशानी होती है, उन्हें एक और परेशानी होती है, पेट की परेशानी। जैसे पेट में हाजमा ठीक से नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी है या कब्ज है, तो ऐसी सारी परेशानी उन्हें होती है। और उनमें 20% ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि उनका पेट साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी पेट की परेशानी होती है, पर थोड़ी कम अमाउंट में होती है। और जब तक पेट ठीक नहीं है, आप आयुर्वेदिक दवाई के अंदर कोई सी भी दवा लें, वो फायदा नहीं करेगी। तो पहली चीज, आपको अपने पेट पर काम करना होगा। और क्या क्या नहीं खाना है। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना है, लगभग 1 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि नॉन वेज में ढलते हैं बहुत सारे मसाले। और अब बात करते हैं खाने में क्या खाएं। आपको हरी सब्जियां खानी है और फल खाने हैं। रात में नहीं, दिन में दूध लेना है। फास्ट फूड अवॉइड करें, जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज वगैरह वगैरह। और एक और बात, जब आप दवाई लें तो उसमें 30 मिनट का गैप जरूर रखें, सुबह भी और रात को भी। और एक और परेशानी आती है बॉडी में, चिपचिपा पानी निकलने के बाद बॉडी में वीकनेस आ जाती है, और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब कभी बॉडी में ऐसा डिस्चार्ज होता है तो बॉडी में वीकनेस जरूर आती है। तो आप इसकी चिंता नहीं करें। और बॉडी में वीकनेस कैसे दूर करें, तो जैसा कि मैंने बताया, आप फल ले सकते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इस दवाई का नाम है सफूफ मुकव्वी। ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। मैं ये दवाई इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों को ये समस्याएं थी, वो इस दवा की वजह से दूर हो चुकी हैं। अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और कितने दिन में आपकी समस्या ठीक हो गई। तो अगर आप इस दवा को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड के साथ, और लिखे सर सफूफ मुकव्वी चाहिए। ये आपको 4 से 5 दिन में कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब ये दवाई आपके पास आएगी तभी आपको इसके पैसे देने हैं। इस दवा का कोर्स 2 महीने का है। लगभग 7 से 15 दिन में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। इससे आपको बिना गैप के साथ लेना है, क्योंकि अगर आप पहले महीने में ही ठीक हो जाने के बाद कहें कि अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब मैं इस दवाई को बंद कर देता हूँ,
तो ऐसा नहीं है क्योंकि एक महीना तो ये दवा बॉडी की परेशानियों को दूर करने में मदद करेगी। दूसरे महीने में ये दवाई प्रॉपर वर्क करेगी जिस तरह इसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।